हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइकल ऑफ एरोजन से रिलेटेड डिस्कशन किया था जिसमें हम लोगों ने डिवीजन थ्योरी के बारे में और पिंक की थ्योरी के बारे में बात किया था इसी डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे स्लोप डेवलपमेंट के बारे में तो फटाफट फड़ शुरू करते हैं अस स्टार्ट अस कंप्लीट एंड अस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर कोर्सेज ऑफ़ रिकॉग्नीशन आई एस जहाँ पर एडवांस जोग्राफी कोर्स के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा यू कैन ऑलसो सब्सक्राइब फॉर स्टडी मटेरियल ऑल्सो सो दिस वॉज़ आवर सिलेबस जहाँ पर हम लोग बेसिकली जो अपना डिस्कशन कर रहे हैं वो इरोजन सरफेस को लेकर के कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है यहाँ पर डिन्यूडेशन क्रोनोलॉजी आज के सेशन में हम लोग देख लेंगे लेकिन जो चैनल मॉर्फोलॉजी का ये जो टॉपिक है आपका ये आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी इसके अलावा इरोजनल सरफेस और स्लोप डेवलपमेंट ये दोनों के दोनों भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे सो इन द नेक्स्ट क्लास वॉट वी विल डिस्कस वी विल हैव टॉपिक ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी एंड अप्लाइड जियो मॉर्फोलॉजी ये दो चैप्टर एक्स्ट्रा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में स्लोप डेवलपमेंट के बारे में हालांकि डेविस की थ्योरी और पिंक की थ्योरी में आप लोगों ने देखा ही था यहाँ पर कि डेविस की थ्योरी भी अपनी जो सिस्टम बता रही थी उसमें भी पेडी पेनी प्लेन के बारे में ये बातें कर रहे थे और जो पेंग साहब थे इन्होंने पेनी प्लेन के बारे में सॉरी दिस पेडी प्लेन के बारे में इन्होंने बात किया हुआ था ये दोनों के दोनों ही बेसिकली कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस थे दिस वॉज कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस और या एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक स्लोप डेवलपमेंट थी कि आखिर में किस तरीके से ये स्लोप डेवलपमेंट आखिर में हो रही है हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनके प्रोसेस और इनकी जो भी डेवलपमेंट्स थी उसके बारे में डिस्कस किया था लेकिन इसका जो स्लोप वाला पार्ट है वो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन सेगमेंट ऑफ लैंड फॉर्म इंक्लिनेशन एंड दे आर फेसड ऑफ़ फेस स्लोप फेस तो दिस इज नॉट फेस दिस इज एक्चुअली अ फेज़ ठीक है तो यहाँ पर जो भी लैंड फॉर्म के इंक्लिनेशन होगी या जिन जो भी स्लोप होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर में क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स ऑफ स्लोप के बारे में बात करेंगे एंड दिस बेसिक्स इज़ बेसिकली वॉट कि कैसे आखिर में ये जो लैंड फॉर्म है वो डेवलप हो रहा है किस तरीके से लैंड फॉर्म के डेवलप होने के कारण स्लोप डेवलप हो रही है इसके बारे में हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट्स देखेंगे टाइप ऑफ स्लोप हम लोग जैसे स्लोप जो होती है उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द किस तरीके से वो डेवलपमेंट या फिर कैसे वो ऑब्ज़र्व हो रही है उसमें आती है एक जैसे जिसे आ, डिवाइड करने के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं इट इज़ अ बेस्ड ऑन द स्लोप एंगल जैसे हमारी कॉन्वेक्स स्लोप या फिर कॉन्केव स्लोप या फिर फ्री फेज स्लोप होती है इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन स्लोप भी होती है और दूसरी जो कैटेगराइजेशन होती है वो होती है बेस्ड ऑन द जेनेटिक आखिर में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं जैसे एक इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरी जो है एक्जो फोर्स हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर एक छोटी सी अगर चर्चा किया जाए सपोज दिस इज़ एनी काइंड ऑफ लैंड फॉम सो वी हैव अगर इसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वी कैन सी कि यहाँ पर जो है एक हमें डिफरेंट टाइप का कॉनकेव सरफेस मिल रही है फिर यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन स्लोप मिल रही है फिर हमें आगे जा कर के कॉन् दिस कॉन्वेक्स स्लोप मिल रही है तो इसी तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द स्लोप एंगल जब हम लोग देखते हैं दूसरी होती है बेस्ड ऑन द जेनेटिक जैसे ये हैं हमारी मान लेते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है और यहाँ अर्थ के इंटीरियर से यहाँ पर फोर्स लग रही है यानी कि ये जो फोर्स हो गई वो कैसी फोर्स हो गई दिस इज़ एंडो जेनेटिक फोर्स और इसके ऊपर से भी फोर्स लग रही है यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स है वो भी फोर्स लगा रहे हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक्जो फोर्सेज अब यहाँ पर देखिए हो सकता है कि एक्जोजेनेटिक फोर्सेस डोमिनेट कर जाए इस एंडोजेनेटिक फोर्सेस पे या फिर एंडोजेनेटिक फोर्स डोमिनेट कर जाए इस एक्जोजेनेटिक फोर्सेस पे तो हमारे पास बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ एनी ईदर ऑफ़ द फोर्सेस इन दोनों के कारण से हमारे पास एक अलग तरीके की स्लोप निकल करके आती है जिसको कि अगेन हम लोगों को स्टडी करना होता है तो ये हुआ जो स्लोप के बेसिक्स हैं बेसिकली आगे हम लोग बात करें तो हमें स्लोप की इस स्टडी करने के लिए कुछ डिफरेंट अप्रोच होते हैं वो कौन कौन से अप्रोच होते हैं तो बेसिकली दो तरीके के अप्रोच होते हैं एक होता है जो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है जिसको कि बेसिकली डेवलप किया गया था डब्ल्यू एम डीविस के द्वारा दूसरी जो प्रोसेस होती है दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है प्रोसेस अप्रोच जिसमें से जिसमें जो कंट्रीब्यूशन मेनली दिया गया था वो पेंक के द्वारा एलसी किंग स्ट्रॉलर जेटी हैक सेविगियर एंड वुड के द्वारा तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथडोलॉजीज हो जाती हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपने स्लोप की स्टडी करते हैं थोड़ी सी अगर इसमें आइडिया लिया जाए तो जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच ये मान लेते हैं कि हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच है दूसरी जो स्टडी का तरीका होता है जिसको कि हम लोग प्रोसेस अप्रोच बोल रहे हैं दिस इज़ प्रोसेस अप्रोच प्रोसेस अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट होती है यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी नहीं देखी जाती है टाइम इंडिपेंडेंट होती है यानी यहाँ पर प्रोसेस पर ही फोकस किया जाता है जबकि जो हिस्टोरिकल अप्रोच होते हैं बेसिकली अगेन सब डिवाइड करके दो पार्ट में इसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी यहाँ पर क्या होती है बेसिकली हम लोग टाइम फैक्टर को देखते हैं कि आखिर में डेन्यूडेशन किस तरीके से हो रही है या फिर इसे आप बोल सकते हैं स्टेज जो डेविस के थ्योरी में स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज थी दैट इज द थिंग दैट स्टेज यहां पर जो है वो डिस्कस की जाती है दूसरा जो इसमें सब प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन सरफेस दिस इज इरोजनल प्रोसेस या फिर इरोजनल सरफेस जो भी आप बोलना चाहें यहाँ पर बेसिकली जो स्लोप होती है या फिर कह लीजिए कि जो भी इरोडेड एलिमेंट आती है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं अकॉर्डिंग टू द इरोडेड एलिमेंट तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें पहली जो डिस्कशन है वो है हिस्टोरिकल अप्रोच को लेकर के हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब ये है कि देखिए किसी भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को हम लोगों ने ऑब्जर्व तो रिसर्च किया नहीं है हम लोग जो फॉलो करते हैं वो प्रेजेंट इज की टू द पास्ट प्रेजेंट इज की टू पास्ट या फिर पास्ट इज की टू प्रेजेंट जो कि हट्टन साहब के द्वारा दिया गया था इन हिज थ्योरी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्लियर अब यहाँ पर जो हिस्टोरिकल अप्रोच ली गई थी उसके बारे में सीधी सी बात है डेविस ने फॉलो किया है तो इट वाज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द स्लोप यानी कि जो भी स्लोप इधर उधर में पाए गए हैं जो भी रिमेन्स मिले हैं जो भी उसके चीज़ें पाई गई हैं उसको ही बेसिकली एक आइडिया लिया जाता है उसको ही एकत्रित एक करके उसी को एक साथ ले करके फिर उसकी क्रोनोलॉजी मेंटेन की जाती है और उसके बेसिस पर स्टडी की जाती है ये होती है हिस्टोरिकल अप्रोच ये इंस्पायर हुआ है डार्विनस इवोल्यूशन थ्योरी से जिस तरीके से समय के साथ में धीरे धीरे इवोल्यूशन आती है सेम वही चीज़ हिस्टोरिकल अप्रोच भी फॉलो करता है ये भी सेम यही चीज़ कहता है कि धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आगे होती जाएगी देन स्लो भी आगे इसी तरीके से चेंज होते जाएगा और इसी कारण से हम लोग जैसे अगर हम लोगों को किसी के बारे में स्टडी करना होता है इन द बायोलॉजी व्हाट वी डू क्या करते हैं हम लोग हम लोग एक्सकेवेटेड एलिमेंट्स को निकालते हैं उसकी डेटिंग करते हैं उसके टाइम पीरियड को जानने की कोशिश करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं उस समय के बाकी अदर एनिमल्स या फिर बाकी अदर एलिमेंट से, और साथ ही साथ में उसकी एक क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं कि आखिर में वो डेवलपमेंट आगे कैसी हुई है जैसे ह्यूमन ही है तो ह्यूमन का पास्ट कैसा रहा है तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैन नियंडरथल मानव Australoids, नेगरीटोज तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैन जो कि हम लोग अगेन अपने क्रोनोलॉजी में या फिर कह लीजिए अपने हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू पढ़ाई किए हुए हैं क्लियर तो यहाँ पर ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ये इंस्पायर्ड है इस डार्विन के एवल्यूशन से एंड साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ स्टेज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द आइडिया हाउ स्लोप दिस इज एक्चुअली स्लोप हाउ स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंक्शन ऑफ स्लोप एज यानी कि समय किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में देखा जाता है द चेंजेस आर एक्चुअली इन ऑर्डरली सिक्वेंशियल एंड प्रोटेक्टिव दैट इज़ ग्रेजुअल चेंज तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हम मानते हैं वो ग्रेजुअल मानते हैं और इसी कारण से हम लोग अपने जो भी पास्ट है जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको लेकर के उसी के बेसिस पे हम लोग एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के बिल जो होता है मेन uh, जो कंसेप्ट है वो है डेनोडेशन क्रोनोलॉजी को लेकर के और इरोजनल सरफेस को लेकर के जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा ही है डेनोडेशन क्रोनोलॉजी के बारे में अगर कुछ बातें किया जाए तो ये बेसिकली ब्रेकिंग डाउन क्रोनोलॉजी को बताता है जैसे अगर मान लीजिए कि माउंटेन की हमें स्टडी करनी है तो हम लोग माउंटेन की स्टडी कैसे करेंगे हम लोग उसके अलग अलग समय के उसके जो भी रिमेन्स है उसको पहले एक्सकोवेट करेंगे उस एक्सकेवेटेड मटेरियल का फिर हम लोग मिनरलॉजी करेंगे यानी कि उसमें देखेंगे कि आखिर में कौन कौन से मिनरल्स उसमें पाए गए हैं साथ ही साथ उसकी कार्बन डेटिंग करके उसका टाइम पीरियड भी निकालने की कोशिश करेंगे इस तरीके से हमारे पास एक तो मिनरल का कंपोजिशन किस तरीके से उस रॉक में उस माउंटेन में चेंज हुई है और किस समय पे चेंज हुई है ये दोनों हम लोग जान लेंगे जैसा कि हम लोगों ने पैलियो के टाइम पर भी डिस्कस किया था कि हम लोगों ने रॉक को लिया था और उसमें जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको लोकेट किया था उस लोकेशन के बेसिस पे हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये डिफाइन किए थे एंड अल्टीमेटली हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था कि हाउ दिस नॉर्थ पोल इज व्डरिंग एंड दैट इज़ अ वॉन्डरिंग ऑफ नॉर्थ पोल कंसेप्ट केम इन टू क्लियर सेम वही चीज़ ये डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी करती है बट यहाँ पर जो डेन्यूडेशन है वो मटेरियल को लेकर के स्लोप को लेकर के है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है कि पास्ट में क्या हुआ था हम लोग केवल एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन अगर वही कोई ड्रास्टिक सा चेंज आया है जैसे मास एक्सटिंक्शन की चीज़ें जैसे होती हैं जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज की डेट में हम लोग सिक्स मास एक्सटिंक्शन से गुजर रहे हैं अगर कोई चीज़ मास एक्सटिंक्शन हुई रहती है तो दैट इज द एक्चुअली अ ड्रास्टिक चेंज एंड दैट ड्रास्टिक चेंज वी कैन नॉट स्पेकुलेट हम लोग उसके बारे में नहीं जान सकते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या पैरल मानते हैं हम लोग ये मानते हैं कि सिक्वेंशियल मैनर में ऐसी हुई होगी और इस पास्ट के हम लोग एक क्रोनोलॉजी वाइज स्पेकुलेट करते हैं और स्टडी करते हैं तो डेन्यूडेशन को आप क्या बोल सकते हैं कि डेन्यूडेशन इज बेसिकली वॉट इट इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म इवोल्यूशन कि आखिर में ये जो लैंडफॉर्म है किस तरीके से वो उभर करके आ रहा है ये एक सिक्वेंशल स्टडी है जो समय के साथ उस एक्सकवेटेड पीसेस की जो एविडेंसेस हैं उसको रीअरेंज करके एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में रख करके उसको हम लोग स्टडी करते हैं और इस तरीके से किस समय पर किस तरीके का लैंडफॉर्म या किस तरीके की स्लोप रही होगी इसको हम लोग डेनिडेशन क्रोनोलॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो डेन्यूरेशन क्रोनोलॉजी इज वॉट इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन थ्रू सक्सेसिव स्टेज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम हियर द एम्फेसाइज इज ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप बेस्ड ऑन साइक्लिक कंसेप्ट ऑफ डेविस जिस तरीके से डेविस ने बताया था वही चीज़ है तो ये जो बेसिकली डेफिनीशन है ये आप लोग याद रखिएगा इसके आगे पीछे तो खैर सारा कंसेप्ट ही है तो डेन्यूजेशन क्लोनोलॉजी जो होती है इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैलिम सेट टोपोग्राफी क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पैलिम सेट टोपोग्राफी है ये होती क्या है पैलिम सेट टोपोग्राफी का मतलब सिर्फ़ एक छोटा सा पॉइंट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये जो भी पुराने मटेरियल हमारे पास मिले हुए हैं उसी पुराने मटेरियल उसी ओल्डर मटेरियल के थ्रू जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पैलिम सेट टोपोग्राफी क्लियर सो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग एंड यू कैन से कि एक रोजनल सरफेस जब भी जिसकी भी टोपोग्राफी हम जब देख रहे हैं तो इफ़ इट मार्क्स द ओल्डर प्रोसेस मच लाइक द मैन स्क्रिप्ट तो उसे ही हम लोग पेन जो ये जो पैलिम सेट टोपोग्राफी है वो बोल देते हैं तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग एंड यू कैन इजली गेट इट फ्राम ईयर ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट थिंग द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेरेशन क्रोनोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई डेट किस समय पर है यही इनका मेन काम होता है और उस काम के बेसिस पे उसे एक जैसे सीरीज में रख दिया जाएगा और सीरीज के बेसिस पे फिर एक आइडिया लिया जाएगा कि किस तरीके से आखिर में डेवलपमेंट हुई है वॉट इज एक्चुअली द साइकिल ऑफ इरोजन द बेसिस ऑफ डेन्यूरेशन क्रोनोलॉजी इज एविडेंस फ्रॉम ड्रेनेज डेवलपमेंट अब ये ड्रेनेज डेवलपमेंट सीधी सी बात है रिवर के थ्रू हो सकता है ग्राउंड वाटर के थ्रू हो सकता है इसमें रिलीफ चेंजेस आएंगे इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आएंगी और इसमें कुछ सरफेस डिपॉजिट्स uh, भी आएंगे तो ये बेसिकली जो होता है कुछ सेडिमेंट्स कुछ मूवमेंट इन सारे के थ्रू जो भी यहाँ पर स्लोप डेवलपमेंट होगी जो मटेरियल आएगा अल्टीमेटली उसकी क्रोनोलॉजी की जाती है लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं प्रॉब्लम यह है कि जो डिशन क्रोनोलॉजी होती है इज एक्चुअली फॉलोइंग डिडक्टिव अप्रोच डिडक्टिव अप्रोच का मतलब अगेन स्पेकुलेशन की जाती है और स्पेकुलेशन के थ्रू जनरलाइजेशन कर दिया जाता है और जनरलाइजेशन के बेसिस पे एक थ्योरी बना दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो एक स्पेकुलेटेड फॉर्मेट में है एंड वी कैन नॉट जस्टिफाई स्पेकुलेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोनोलॉजी एंड एविडेंसिस ऑफ रिमेन्स तो हमें एक क्योंकि अगर सपोज किसी तरीके का मास एक्सटेंशन या किसी प्रकार का अगर ड्रास्टिक चेंज आया होगा तो हम लोग इस जेनरेशन क्रोनोलॉजी के थ्रू से नहीं जान सकते हैं दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है इरोजनल सरफेस की प्रोसेस इरोजनल सरफेस नाम से ही पता चल रहा है कि इरोडेड एलिमेंट को लेकर के स्टडी की जाती है और उसके बेसिस पे जब भी हम स्लोप डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो इस तरीके की स्टडी कहलाती है इरोजनल सरफेस थ्योरी दिस इज़ ओल्ड एक्सटेंसिव प्लेनेशन सरफेस विच प्रिजर्व द इम्प्रिंट्स ऑफ पास्ट प्रोसेस यूजिंग विच द डिनुडेशन टनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैन बी री क्रिएटेड और री इंटरप्रटेड तो जो भी हमारे पास पुराने टाइम में जो भी बचा कुचा जो भी सरफेस मिला हुआ है जो भी प्लान प्लेन एरिया मिले हुए हैं उस प्लेन एरिया की स्टडी करने के बाद अल्टीमेटली हम लोग इस रोजनल सरफेस की मदद से हम उस एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं इरोजनल फीचर और एनी फीचर विद इरोजन इज नॉट एन इरोजनल जैसे कोई भी अगर इस तरीके का हमें प्लेन मिल जाए इरोडेड मटेरियल मिल जाए तो हम लोग उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक इरोजनल सरफेस है और हिस्ट्री में हिस्ट्री में वो एक स्लोप डेवलप किया होगा नो वी कैन नॉट जस्ट सिंपली से जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इरोजनल सरफेस तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है एंड uh, हम केवल और केवल उस सरफेस को उठाते हैं जिसके पीछे उसकी एक कहानी होती है उसके पीछे एक प्रोसेस हुआ होता है क्लियर सो so, इस वजह से हम लोग हर एक इरोजनल सरफेस को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे एक हिस्ट्री रही होगी या इसके पीछे कोई एक स्लोप डेवलपमेंट विकसित हुआ होगा डेवलप हुआ होगा कुछ स्लोप फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है जैसे एक की कोई जो स्लोप फीचर होगी मतलब कि जो भी इरोजनल सरफेस होगा वो बहुत ही पुराना होगा इसके अलावा उस पुराने के पीछे कई सारे प्रोसेस काम किए होंगे कई सारे उसके फीचर्स बने होंगे जिसके कारण से अल्टीमेटली उसकी एक कहानी एक टेल बन गई होगी और उस टेल के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस स्लोप और दिस सरफेस मस्ट हैव हैगॉन अंडर मल्टीपल फोल्ड फॉल्ट एंड मल्टीपल प्रोसेस अंडर विच दिस हैज डेवलप्ड तो वॉट इज तो लुकिंग जस्ट लाइक एट तो प्रजेंट एज जो भी आज की डेट में दिख रही है वो उन्हीं कारणों की वजह से हुआ होगा अल्टीमेटली होगा क्या एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस बन गया होगा एंड द सक्सेस मस्ट नॉट हैव स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड डिफरेंशियल इरोजन दैट इज इेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ रॉक सच सरफेस मस्ट बी यूनिफॉर्मली फ्लैट तो इस तरीके से हमें सिस्टम मिलती है लेकिन इसके अलावा इस इरोजनल सरफेस के सीधी सी बात है कुछ चैलेंजेस भी हमें मिलेंगे क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हर एक इरोजनल सरफेस एक इरोजनल सरफेस फॉर स्लोप डेवलपमेंट नहीं बन सकता है तो इस वजह से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जैसे एक चैलेंज होता है कि मोस्ट ऑफ द ओल्ड इरोजनल सरफेस इतने ज़्यादा इरोड हो चुके हैं कि उसको डिफिकल्ट होता है रिकग्नाइज़ करने में समझ में नहीं आता है क्योंकि देखिए कोई भी एक एरोजनल सरफेस को अगर आप लेंगे तो ये हो सकता है कि विंडो रोजन के थ्रू बना हो हो सकता है ये वेव कट प्लेटफॉर्म यानी कि ओशन के थ्रू बना हो।, हो सकता है वो रिवर के कारण से बना हो तो हमारे पास कई तरीके की दिक्कतें आती हैं कई तरीके की प्रोसेस होती हैं हमारे इस वर्ल्ड में संसार में जिसके कारण से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल रिवर के कारण से जो भी जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं उसको आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर टू द अदर एक्सटर्नल एजेंट्स ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि रिवर के कारण से जब भी कोई लैंडफॉर्म बनती है तो वो काफ़ी डीप बनती है जैसे वी शेप वैली होती है सेम वैसे ही डीप बनती हैं और उस डीप बनने के कारण से हम लोग ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई रिवर रही होगी जैसे सरस्वती रिवर जो कि आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है लेकिन उसके हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं एंड दैट इज हाउ वी कैन जस्ट प्रोडिक्ट दैट समेर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सम रिवर शुड हैव बिन देयर एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग द सच काइंड ऑफ रिवर ग्रेड और चैनल मॉर्फॉलोजी क्लियर तो रिवर के कारण से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो रिलेटिवली ईजी होती हैं आइडेंटिफाई करना एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स सच सरफेस हैव बिन कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू वैराइटी ऑफ डेन्यूरेशन डायस्ट्रॉफिक एज वेल एज दटास्ट्राफिक प्रोसेस अब डायस्ट्राफिक तो समझ में आ रहा है लेकिन जो कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस होती हैं जस्ट लाइक द अर्थक्वेक और वल्कैनो और सुनामी और सम अदर मीन्स कुछ भी हो सकती है उसके कारण से जब भी कोई चेंज होता है तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है और इस चेंज के कारण से अगेन एक आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मैनी सच सरफेस आर ओवरलाइंग बाई सिडिमेंट्स आर सम मस्ड बाई वाटर एंडहेंस इनएक्सीबल बहुत सारी चीज़ें जो पानी के अंदर में दब गई हैं जिसको कि एक्सेस कर पाना अगेन मुश्किल है और इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है इन द हिस्टोरिकल अप्रोच इज बाउंड टू बी सब्जेक्टिव इस पर हम लोग कभी भी कोई एक कंक्लूजन दे पाना बड़ा मुश्किल का टास्क होता है कभी भी हम इस चीज़ को फुल प्रूफ नहीं बोल सकते हैं बिकॉज़ वी आर जस्ट स्पेकुलेटिंग इट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन और अगर किसी तरीके से अगर कोई चेंज हुआ होगा तो वी कैन नॉट सिंपली जस्टिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ ए रोजनल सर्फिस और आवर हिस्टोरिकल अप्रोच क्लियर सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच नेक्स्ट जो आती है वह आती है हमारी प्रोसेस अप्रोच इस प्रोसेस अप्रोच में सीधी सी बात है हम लोग केवल रिमेन्स को लेकर के स्टडी करके हम लोग नहीं बताएंगे कि वॉट एग्जैक्टली वुड हैपेन्ड टू द स्लोप डेवलपमेंट सो वॉट इजली इज द थिंग हियर यहां पर जो चीज़ें होती हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोच फॉलो किया जाता है यहां पर हम लोग प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय की टाइम यानी कि स्टेज पे द प्रोसेस अप्रोच ट्राई टू स्टडी द एक्चुअल चेंज इन द स्लोप क्या हुआ था कैसे हुआ था और ये फील्ड ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट के थ्रू निकाला जाता है द प्रोसेस फॉर्म अप्रोच गिविंग बैक देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस एक्टिंग ऑन अ लैंड फॉर्म एंड इट्स अ स्लोप प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्लोप को डेवलपमेंट करने के लिए अब ये जो प्रोसेस होती है वो कई सारे एलिमेंट से मिल करके बन सकती है जैसे क्लाइमेट जैसे क्लाइमेट के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो देखिए डेविस ने जो फॉलो किया था वो फ्लूवियल एक्शन इन ह्यूमिड क्लाइमेट फॉलो किया था जो ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट है यानी यूएस के एरिया में पेंक के बारे में अगर बात करें तो अगेन इन्होंने एरिड एरिया में बातें की हुई हैं अलग क्षेत्र में बातें की हुआ है तो इस तरीके से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अलग अलग क्लाइमेट को फॉलो किए हैं एंड दैट इज़ वाई बेस्ड ऑन द क्लाइमेट वी कैन सिंपली से कि जो भी लैंडफॉम होती है जो भी स्लोप डेवलपमेंट हो रही है उसका क्लाइमेट पर मतलब कि उसका क्लाइमेट उस पर क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि देखिए रिवर अपने फ्लूवियल एक्शन को ज़्यादा दिखाएगी जब वो किसी एरिड एरिया में पहुँचेगी ना कि किसी ह्यूमिड एरिया में तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट एंड ही आर द स्लोप इन जनरल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट रॉक इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है एक तो हो गया जो आपका क्लाइमेट है इसके अलावा रॉक टाइप पे इसके अलावा स्ट्रक्चर पे रिलीफ पे और वेजिटेशन पे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर लैंड फॉम या फिर कह लीजिए स्लोप डेवलपमेंट डिपेंड करती है लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो लैंड फॉर्म हो रही है एक्चुअली उसकी जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस इसके कारण से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि यहाँ सोफिस्टिकेटेड मेथडोलॉजी जो हम लोग यूज भी करते हैं उसमें कुछ खास रिजल्ट सच हमें दिखता नहीं है एंड दैट इज वाई टू मिजर द स्लोप मोर ओवर द प्रजेंट फॉर्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट प्रोसेस लेकिन जो पुरानी प्रोसेस हुई है उसके कारण से हमें रिजल्ट देखने को मिलती है विच पोजेस अफेक्ट विच स्लोप इज अ कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट Moreover, if the slope are determined by the process, then different climate will have different slope. But in reality, we find almost same slope component like convex, free face constant and concave everywhere. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए अलग-अलग climate में अगर हम जा रहे हैं और अगर उसकी process जो भी आज की date में हमें landform दिख रहा है उसकी process past में कभी हुई होगी और उसके कारण से हम लोग landform देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का कहना है इस प्रोसेस अप्रोच का कहना है कि देखिए अलग अलग क्लाइमेट में हमें अलग अलग टाइप की स्लोप मिलनी चाहिए बट वी आर गेटिंग काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म जैसे कि आपका कॉन्वेक्स हो गया या कॉन्केव हो गया या फ्री स्टाइल हो गया या फिर हमारी कॉन्स्टेंट स्लोप होती है तो समवेयर देयर इज़ अ सिमिलैरिटी देयर इज़ अ कंटिन्यूटी देयर इज अ सिंक इन द स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी और इसी स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग प्रोसेस के थ्रू डिस्कस करते हैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो सेम लैंडफॉर्म को एक जैसे लैंडफॉर्म को ऑब्जर्व करने के बाद पॉइंट ऑफ डिबेट बना हुआ है जैसे गिलबर्ट साहब का कहना था कि देखिए स्लोप क्रीप के कारण से कॉन्वेक्सिटी आती है दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट सेकेंड जो समिटल कॉन्वेक्सिटी है डेविस के कारण से इन्होंने कहा कि फ्लूवियल एक्शन ऑफ इरोजन के कारण से है एंड दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ यूथफुल स्टेज सिमिलरली इसी तरीके से कुछ और भी लोग थे जैसे फेमैन हो गए इन्होंने भी डिस्कशन किया था इसके अलावा लॉवन है इन्होंने भी अपना डिस्कशन किया हुआ था तो इन लोगों की जो प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं एक नए डिबेट को जन्म दी थी जहां पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं बट द प्रोसेस आर डिफरेंट क्लियर अब हमारे पास कुछ मॉडल्स आ जाते हैं स्लोप डेवलपमेंट को लेकर के अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली वो डिस्कस किया है कि स्लोप डेवलपमेंट कोई स्टडी कैसे की जाती है क्लियर या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जस्ट लाइक like कि आपका जो क्लाइमेट होता है दिस इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग या फिर दिस इज अफेक्टिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट तो आप इस पूरे के पूरे स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज को लिख देंगे इन अ डिफरेंट मैनर ऑफ आंसर राइटिंग क्लियर है ओके नाउ इनफैक्ट uh, इस पर बेस्ड uh, हमारे टेस्ट सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था एंड दैट क्वेश्चन वाज समथिंग डिफरेंट डिफरेंट ओके सो मॉडल इन स्लोप डेवलपमेंट में अगर बात करें तो वी हैव मॉडल्स जैसे डेविस का जो model था उसको बोला जाता है स्लोप डिक्लाइन मॉडल या इसी को बोला जाता है डाउन वेस्टिंग मॉडल इसी तरीके से पेंक का मॉडल था जिसको बोला जाता है स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल एलसी किंग का मॉडल है जिसको बोला जाता है स्लोप रिट्रीट मॉडल या फिर पैरल रिट्रीट मॉडल या फिर बैक वेस्टिंग मॉडल या फिर सवाना साइकिल ऑफ मॉडल या फिर मॉडल ऑफ पेडी प्लेनेशन या फिर एपीजीन मॉडल ऑफ स्लोप तो इनके मॉडल को कई तरीके से देखा गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इनको एक्सप्लेन किया गया है इनफैक्ट जो पिंक की थ्योरी थी जो कि एक्चुअल में जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है तो ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड थ्योरी थी शुरुआत में इनफैक्ट इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया भी गया था दैट वाज अगेन अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग एंड दैट इज माई पिंक पेंक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था बाद में जब पेंक को प्रॉपरली देखा गया तो एक्चुअल में द प्रॉब्लम वॉज कि एलसी किंग की थ्योरी और पेंक की थ्योरी इट वॉज क्वाइट सिमिलर एट दैट टाइम आफ्टर द ट्रांसलेशन बट दिस वॉज नॉट एक्जैक्टली द सेम पेंक ने बात किया हुआ था रिट्रीट मूड के बारे में और ऐसा ट्रांसलेशन से पता चला था कि पेंक ने बात कर दिया है रिट्रीट मॉडल के बारे में बट दैट वॉज नॉट द थिंग पेंक ने जो बातें की थी बाद में ये चीज़ क्लियर होकर के आई जब ये क्रिटिसिज्म वगैरह का खेल ख़त्म हो गया तो ये समझ में आया कि स्लोपर रिप्लेसमेंट मॉडल ये दिया गया है हमारे पेंक साहब के द्वारा जबकि एल सी किंग ने जो बातें की हैं वो पैरल रिट्रीट के बारे में बात किया है हम लोग बातें करेंगे अभी दोनों लोगों के बारे में कि कैसे पैरल रिट्रीट इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्लेसमेंट क्लियर इसके अलावा एक और थ्योरी आती है जो डायनमिक इक्ब्रियम मॉडल थ्योरी बोला जाता है यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली जेटी हैक स्ट्रॉलर और सेविगियर इन लोगों के द्वारा दिया गया है वन बाय वन करके आप जरा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे डेविस के बारे में और डेविस के मॉडल से डिस्कस करने से पहले कुछ छोटे मोटे और भी अजम्पन्स uh, कि आखिर में जो स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हमें स्टडी करने के लिए स्लोप कुछ अजम्पन्स uh, हैं वो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है एंड यू कैन से कि दिस इज़ अ दिस इज बेसिक्स ये बेसिक है टू स्टडी द स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी क्लियर यहाँ पर वन बाय वन पॉइंट करके हम लोग देखेंगे और उसके बाद से इसकी स्टडी करेंगे जैसे किसी भी स्लोप के अगर बारे में देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन से मिलके बनाया है सपोज मान लेते हैं दिस इज़ एनी टाइप ऑफ स्लोप ठीक है अगर इसे आप छोटे छोटे अगर पॉइंट में डिवाइड कर देंगे तो ऑल द लाइन्स विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन कर्व जो होती है कर्व को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो इट विल लुक लाइक स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज़ वाई फिजिक्स में जब भी किसी भी किसी भी इस सिस्टम को अगर स्टडी करना होता है तो फिजिक्स वाले लोग जो हैं उनको पता होगा कि हम छोटा सा एक एलिमेंट कट करते हैं उस सिस्टम का एंड उस छोटे से एलिमेंट को हम लोग बोल देते हैं कि ये डी है और फिर हम लोग डी बाई डी एक्स के बेसिस पे उसका एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को अल्टीमेटली इंटीग्रेट कर दिया जाता है पूरे के पूरे सिस्टम के लिए और इस तरीके से हम लोग एक छोटे एलिमेंट का एक तरीके से जनरलाइजेशन कर देते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम की जानकारी इकट्ठी करने के लिए वही काम यहाँ पर भी तो किया जा रहा है तो दैट इज़ वाई यू कैन से कि जो ये स्लोप की जो डेवलपमेंट है इट इज़ एक्चुअली अ साइंस दिस इज अंस क्लियर क्योंकि साइंस है तभी तो आप ये डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट का फंडा यूज कर पा रहे हैं तो किसी भी चीज को अगर आप साइंटिफिक तरीके से लेकर के चलेंगे तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ साइंटिफिक इंफ्लुएंस क्लियर यहां पर भी सेम चीज वही बोली जा रही है कि किसी भी बड़े एलिमेंट को अगर आप कट करके छोटा कर देंगे तो इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन की स्टडी करना ईजी एज कंपेयर टू एनी कर्वड लाइन क्लियर जितने भी हमारे स्लोप होते हैं दे विल गो पैरल रिट्रीट यहाँ से आप कहानी आपकी शुरू होती है जैसे हम लोगों ने ये हमारा स्लोप ले रखा है अब देखिए ये स्लोप जो होता है वो पैरलि रिट्रीट होती है पैरल मतलब इसी के पैरल पैरल चलता रहेगा अब यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा समझते हैं देखिए सपोज दिस इज़ एनी थ्री डिमेंशनल सरफेस एनी थ्री डिमेंशनल सरफेस एंड डेविस का मॉडल ही लेकर के चलते हैं मान लेते हैं डेविसियन थ्योरी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आपको जानकारी भी होगी मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और यहाँ से कहीं से रिवर निकल रही है तो रिवर के लिए ब्लू ले वाटर ले लेते हैं मान लेते हैं ये रिवर निकल रही है यहाँ रिवर निकल रही है यहाँ रिवर निकल रही है अब रिवर के पास सीधी सी बात है इसका अपना एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के होने के कारण से ये वी शेप वैली बनाना शुरू कर देगी तो इट विल फॉर्म वी शेप वैली कोई दिक्कत नहीं है वी शेप वैली बनाने के बाद अब क्या होगा अब यहां पर यह बोलता है कि ऑल द स्लोप विल अंडर गो पैरल रिट्रीट तो क्या होगा इसी के पैरली ये रिट्रीट होना शुरू होगा क्योंकि यहीं से डेनिडेशन स्टार्ट हुआ है तो ये पैरल जाएगा इसी तरीके से और पैरल जाएगा और पैरल जाएगा यहाँ पर भी पैरल जा रहा है सिमिलरली इसी तरीके से पैरली यहाँ पर भी आप चले जाइए पैरली चले जाइए पैरली चले जाइए एक पॉइंट के बाद ये होगा कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे अल्टीमेटली ultimately everything विल गेट मैच अब क्या होगा Parallel अभी भी चल रहा है चलाइए कोई दिक्कत नहीं है चलते आते हैं यहाँ पर चला अब देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमें इस तरीके का एक सरफेस मिल जाएगा और यही वो सरफेस है जब मोनाइड नॉक आप बोल सकते हैं कि डेवलप हो गए they are नॉक्स जैसा कि डेविस ने बोला था सेम इसी तरीके से पेंक ने बोला था कि इसको इंसेल बर्ग डेवलप हो जाएंगे तो ये बेसिकली इंसेल बर्ग है या फिर यही जो अपर सरफेस है इसको बॉल्टन और नीचे जो वैली साइड है इसको हैल्ड एंड हैंग ये भी पेंक ने बोल दिया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वॉट यू विल गेट यू विल गेट अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस वन सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं सो so दैट आपको विजिबल रहे यू विल गेट अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस क्यों क्योंकि पैरल रिटीट होते गया एंड अल्टीमेटली एक ऐसा फ्लैट फीचरलेस सरफेस मिल जाएगा एंड दिस फ्लैट फीचरलेस सरफेस विल बी नोन एज पेडी प्लेन या फिर जो भी पेनी प्लेन जो भी बोलना चाहे और यही वो बेसिकली स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी बोलती है कि दिस इज हाउ दिस ऑल द स्लोप विल गेट रिप्लेस्ड एंड अल्टीमेटली वी विल गेट वन एन कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस या फिर फ्लैट फीचरलेस प्लेन जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है जैसे कि पेनी प्लेन बोल दिया है डेविस ने प्लेन बोल दिया है पिंक ने या फिर पैन प्लेन बोल दिया है क्रिकमे ने क्लियर ओके okay. अभी हम लोग एजम्पन्स के बारे में बात कर रहे हैं वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी ऑफ द थ्योरीज वी विल डिस्कस इट लेटर ओके नेक्स्ट जो बोलती है वो ये बोलता है कि जो स्टीप स्लोप है उसमें जो स्टीप है मतलब जिसका स्लोप बहुत ज्यादा है उसमें जो इरोजन होगा वो बहुत ज्यादा होगा वॉट डज दिस मीन सपोज वी हैव एक ऐसा स्लोप एक ऐसा स्लोप एंड एक ऐसा स्लोप ठीक है इस तरीके का स्लोप पॉसिबल है कि नहीं बिल्कुल है तो वी हैव स्लोप नंबर वन मान लेते हैं कि ये स्लोप नंबर वन है फिर हमारे पास स्लोप नंबर टू है एंड देन फिर हमारे पास स्लोप नंबर ये थ्री है ठीक इसकी स्लोप देखेंगे तो दिस इज द स्लोप एंड इसकी स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप है इसकी स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप है मान लेते हैं कि ये ट्वेंटी डिग्री है स्लोप मान लेते हैं इसका इसका स्लोप फिर थर्टी फाइव डिग्री मान लेते हैं और इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो फोर्टी फाइव डिग्री मान लेते हैं ठीक ओके यहाँ पर कहता है जो स्टीप स्लोप होगी उसकी इरोजन ज़्यादा होगी दैट मीन्स पैरल अभी भी पैरल रिट्रीट ही है दिस इज पैरल रिट्रीट दिस इज पैरल रिट्रीट एंड दिस इज अगेन अ पैरल रिट्रीट लेकिन इसकी इरोजन ज्यादा है यानी ये ज्यादा होगा मटीरियल ज्यादा इकट्ठा होगा यहां पर रिलेटिवली कम इकट्ठा होगा और यहाँ पर सबसे कम इकट्ठा होगा समझ में आया पैरल ये जो रिट्रीट है या फिर यहाँ जो स्टीप का इरोजन uh, हो रहा है क्लियर मोर इरोजन इन स्टीप स्लोप एंड लेस इरोजन इन लेस स्टीप स्लोप क्लियर आगे देखते हैं हम द शेप ऑफ स्लोप इज डिटर्माइंड बाई रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्जो जेनेटिक फोर्सेज आप देखिए मान लेते हैं कि वी हैव अ सरफेस हियर सपोज दिस इज अ सरफेस ऊपर से एंडोजेनेटिक फोर्स सॉरी ऊपर से एक्जो जेनेटिक फोर्स लग रही है नीचे से एंडोजेनेटिक फोर्स लग रही है सपोज एंडो इज अ स्ट्रोंग एंड एक्जो इज वीक देन वॉट विल हैपन द सर्फेस विल मोल्ड लाइक दिस ये मोल्ड हो जाएगा इस तरीके से क्योंकि एक्जोजेनेटिक स्ट्रॉग है ऑब्वियसली एक्सोजेनेटिक स्ट्रॉग है नेट फोर्स ऊपर की ओर में मिल जाएगा सपोज कैसे आप कहेंगे एंडोजेनेटिक ज़्यादा है मान लेते हैं कि ये 50 आ, 50 न्यूटन का फोर्स है और ऊपर जो होता है 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है देन नेट फोर्स किधर है नेट फोर्स 15 न्यूटन ऊपर के साइड में है ऊपर के साइड में फोर्स है तो ऑब्वियसली बॉडी विल डिफॉर्म लाइक दिस ये हो जाएगी सरफेस ठीक है इसको आप कैसा बोलेंगे दिस इज लुकिंग लाइक अ कॉन्वेक्स सरफेस दिस इज अ कॉन्वेक्स यहाँ से अगर आप देख रहे हैं यू आर वॉचिंग इट हीयर यहाँ से देख रहे हैं देन इट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस क्लियर इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर कॉन सपोज इंडोजेनेटिक दिस इज 50 एंड दिस इज सपोज 35 फाइव दैन नेट फोर्स इज इनसाइड फिफ्टीन न्यूटन का अंदर लगेगा तो अब सरफेस कैसा बन जाएगा अब सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा देन इट विल लुक लाइक वॉट इट विल लुक लाइक कॉन केव सरफेस क्लियर तो ये चीजें अगेन यहां पर मान लेते हैं कि ये एक्जोजेनेटिक एंड दिस इज एंडोजेनेटिक क्लियर है दोनों के बारे में ओके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट इज स्लोप स्टीप स्लोप विल रिपीट मोर एंड जेंटल स्लोप विल रिपीट लेस तो ये सिंपली यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो होती है वो ज़्यादा रिपीट होगा और जो जेंटल होगा वो रिलेटिवली कम रिपीट होगा बिकॉज दिस सीधी सी बात है यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो स्पेस है वो स्टीप के पास ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द जेंटलर वन ओके नाओ लेट मी रेज इट जेंटलर स्लोप लेंथ विल इंक्रीज द गैप फिल्ड बाय जेंटलर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है जो जेंटल की स्लोप लेंथ होगी वो रिलेटिवली ओके दिस इज अगेन क्वाइट सिंपल सपोज दिस वाज़ द आवर स्लोप ठीक है ये वन नंबर ये टू नंबर या थ्री नंबर यहाँ पर जो लाइन्स खींची जा सकेंगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा खींची जा सकेंगी ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर जो खींची जा सकेंगी वो रिलेटिवली कम खींची जा सकेंगी क्योंकि अल्टीमेटली इट विल हैव रिलेटिवली लेस एरिया यहाँ पर एरिया लेस है यहाँ पर और कम खींची आ सकेंगी केवल यही खींची आ सकती हैं क्लियर तो जेंटलर स्लोप में अगर आप यहाँ पर लेंथ देखेंगे तो इट विल द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी मच हायर एज कंपेयर टू दिस लाइन ये आपको समझ में आ रहा होगा इनफैक्ट दिस इज द ज्योमेट्री ज्योमेट्री में बोला जाता है ना कि सपोज दिस इज़ अप एनी लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस विल हैव सबसे कम लेंथ ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी और जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्लोप देखिए ये स्लोप जो होती है घटते आ रही है ये स्लोप आपकी सपोज दिस स्लोप इज नाइन्टी डिग्री दिस इज सिक्सटी डिग्री दिस इज फिफ्टी डिग्री दिस इज फोर्टी डिग्री दिस इज थर्टी डिग्री तो थर्टी डिग्री वाले की जो लेंथ होगी वो हो, सबसे ज़्यादा होगी दिस इज ज्योमेट्री दिस इज बेसिक थिंग हियर हम लोग कोई फिजिक्स नहीं बात कर रहे हैं कोई ज्योग्राफी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग सिंपल मैथ की सिंपल ज्योमेट्री बात कर रहे हैं क्लियर ओके इरोजन विल नॉट लीड टू चेंज इन एंगल दिस इज इंपॉर्टेंट यहां पर पैरल रिट्रीट के बारे में बातें की जा रही हैं अब देखिए पैरल रिट्रीट में इन सब का एंगल क्या सेम है सबका सेम है सीधी सी बात है और यही चीज बोलती है कि इरोजन विल नॉट लीड टू चेंज इन एंगल ये कोई चेंज नहीं करेगा लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मटेरियल घिस जाएगा मटेरियल इरोड हो जाएगा देन ऑब्बियसली देयर विल बी अ चेंज इन स्लोप ठीक है बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इरोजनल लाइंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द मास इरोजन क्लियर जेंटलर स्लोप विल इंक्रीज मोर एंड अल्टीमेटली स्टीपर स्लोप यह रिप्लेस हो जाते हैं जेंटल स्लोप से दिस इज द रीजन इज इरोजन दिस इज मास इरोजन क्लियर सो दीज आर वेरी टेक्निकल डिटेल्स तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिएगा बिकॉज बुक्स में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको मिलेगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर आगे बात करता है कॉन्वेक्स लोप के बारे में अगर इंडोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा होते हैं जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या था इंडोजेनेटिक फोर्स वाज मोर इंडोजेनेटिक ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू एक्सोजेनेटिक तो हम लोगों ने बोला था इसको कि ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लोप है क्लियर तो वही चीज यहाँ पर बोलता है कॉन्वेक्स स्लोप जब इनो ज्यादा हो जाएगा एग्जो से सिमिलरली उसी चीज को अगर आप उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी कॉन्केव बन जाएगी और वही अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर पैरल हो जाएगा दिस इज पैरल और कॉन्स्टेंट स्लोप क्लियर मैक्सिमम स्लोप इज अपर पार्ट ऑफ द स्लोप प्रोफाइल इज सिचुएटेड एब कॉन्स्टेंट स्लोप तो सिंपल है वही चीज क्लियर अब जब सारे के सारे अजम्पशंस को आप लोग सीख गए हैं समझ गए हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे डेविस के स्लोप के बारे में पहले स्टडी करते हैं और फिर आगे हम लोग पैंक एंड ऑल दैट जितने भी बचे हुए लोग हैं उसके बारे में स्टडी कर लेंगे क्लियर ओके सो डेविस की स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है उसी चीज उसी पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे लेकिन यहां पर हमारा फोकस होगा स्लोप डेवलपमेंट पे यानी इनकी जो थ्योरी है स्लोप डिक्लाइन मॉडल डाउन वेस्टिंग मॉडल इसके बारे में तो इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता है जैसे वन बाय वन करके देख ही लेते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच था इनका और स्टेज बेस्ड इवेलुएशन ऑफ द स्लोप स्लोपीन्स देयर फीचर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ द स्लोप इसके बारे में इन्होंने बात किया था इन्होंने अपनी थ्योरी में बेसिकली तीन पॉइंट दिए थे यूथ स्टेज मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज अब जरा हम लोग मुद्दे पे आते हैं हम लोगों ने एक चीज देखा था कि दिस वॉज सपोज द ग्राफ एंड यहाँ पर हम लोगों ने यह बोला था कि इन द फर्स्ट फेज अपलिफ्टमेंट केवल होगी तो ये केवल और केवल यहां पर अपलिफ्टमेंट हो रही है दिस इज अपलिफ्टमेंट क्लियर पर इरोजन नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट के बाद जब अपलिफ्टमेंट हो जाएगी तो अब यहां से इरोजन स्टार्ट हो जाएगा तो दिस विल गो लाइक दिस क्योंकि अपलिफ्टमेंट तो अब होना नहीं है तो यहां पर सपोज दिस इज द मेन हाइट और यही रिलेटिव हाइट भी है तो ये एब्सोल्यूट हाइट भी है और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं रिलेटिव हाइट को लेकर के दिस इज रिलेटिव हाइट ऑल दो बोथ आर पैरल ठीक है लेट मी ड्रॉ इट पैरल अदरवाइज यू विल से कि दिस इज समथिंग डिफरेंट ओके दिस इज़ पैरल एंड दिस इज अगेन पैरल ठीक है अब यहाँ पर ये ऐसे ही बना रहेगा लेकिन इरोजन वाला जो चीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा देन वॉट विल हैपन नाउ द इरोजन थिंग विल स्टार्ट दिस इज इरोजन इरोज़न अब और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर इरोजन तो खैर खतरनाक ही हो जाएगा ठीक है यहाँ का स्लोप यहाँ का स्लोप और अल्टीमेटली यहाँ का स्लोप दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से चेंज हो रही है इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे यूथ स्टेज क्योंकि यहाँ पर इरोजन जो है वो मैक्सिमम है दिस इज मैक्सिमम यहाँ पर ये मैच्योर स्टेज थी क्योंकि यहाँ पर इरोजन थोड़ी सी मॉडरेट स्टेज में चली गई है और यहाँ पर इरोज़न तो सबसे ज़्यादा स्लो हो गई है एंड दिस इज सेनाइल स्टेज और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो कर्व ड्रॉ किया हुआ था द कर्व वॉज लुकिंग जस्ट लाइक दिस लेट मी टेक ग्रीन कलर ओके सो दिस वॉज द लैंड फॉर्म यह लैंड फॉर्म था यहाँ पर इस तरीके से डेवलप हो रहा था एंड देन अल्टीमेटली दिस वॉज द थिंग एंड अल्टीमेटली एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस यानी कि पेनी प्लेन बन गया था तो ये हम लोगों ने देखा था क्या ये हम लोगों ने देखा था एक तरीके से यू कैन से दिस इज द वर्टिकल फिगर दिस इज़ द वर्टिकल फिगर एंड जहां पर आपको केवल और केवल लैंडफॉर्म किस तरीके से प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसके बारे में दिखाया गया है बेसिकली यहां पर स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज में जो फोकस किया गया है वो स्टेज पे किया गया है प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दी गई है लेकिन स्ट्रक्चर का तो गला घोड़ दिया गया है अब देखते हैं एक्चुअल में डेवलपमेंट हमें लैंडफॉर्म में कैसी दिखेगी तो देखिए तो दिस इज सपोज एनी सरफेस मान लेते हैं कोई एक सरफेस है यहाँ पर क्या होगा कि हमारी रिवर बह रही थी जैसा कि हम लोगों ने अभी रिवर को फ्लो कराया था ये हमारी रिवर बह रही है दिस इज़ आवर रिवर मान लेते हैं ठीक है अब रिवर के कारण से यहाँ पर वी शेप वैलीज डेवलप हो जाएंगे सो नो डाउट देयर विल बी वी शेप वैलीज़ ये वी शेप वैलीज़ हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर वी शेप वैली है ठीक है अब आगे क्या होगा आगे ये स्लोप रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो इसको जरा स्लोप रिप्लेसमेंट करा देते हैं दिस इज स्लोप रिप्लेसमेंट पैरेलली स्लोप रिप्लेसमेंट हो ही रहा है कोई दिक्कत नहीं है स्लोप रिप्लेसमेंट होता रहेगा सिमिलरली आगे भी इसी तरीके से स्लोप रिप्लेसमेंट होती रहेगी ये जो स्लोप रिप्लेसमेंट हो रही है कैसी हो रही है पैरल हो रही है अपने इरोजन यंग फेज में हो रही है तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगी अब इस यंग फेज के बाद आगे क्या होगा कि यहां पर अब ये जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप में बदलना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब यह अपने मैच्योर फेज में चली गई है ठीक आफ्टर दिस मास इरोजन यू कैन से यहां पर कि एक यहां पर आप एक डिवाइडिंग लाइन बना सकते हैं जिसके नीचे अब इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है एंड नाउ इट हैज कम अंडर द मैच्योर स्टेज एंड दैट इज वाई द स्लोप्स विच वर स्टीपर इन नेचर दे हैव नाउ अंडरगॉन इन रिलेटिवली यू कैन से जेंटल वन अब इसका फिर से पैरल रिट्रीट हो जाएगा तो दिस इज पैरल रिट्रीट अगेन लेकिन ये जेंटल जेंटल है ठीक है अब इस जेंटल के बाद फिर क्या होगा एक समय के बाद यहाँ पर भी क्या है स्पेस अब खत्म हो गया नाउ वॉट विल हैपन देयर विल अनदर बी डिवाइडिंग लाइन एंड बिलो दिस यू कैन से ओल्डर फेज स्टार्ट हो जाएगी और इस ओल्ड फेज में अब जो सिस्टम आ गया है वो प्योरली कैसा आ गया है दिस इज प्योरली एकदम हल्का फुल्का पैरल रिट्रीट होगा एंड एक तरीके से अब ये नेक्स्ट फेज में एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस के रूप में बदल जाएगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि ये एक पेनी प्लेन में बदल गया है सो दिस इज पेनी प्लेन क्लियर हुआ क्या चीजें हैं कैसे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया सो दिस इज द थिंग ओके दिस इज द थिंग कि कैसे ये डेवलपमेंट हुई है यहां पर अल्टीमेटली हमें लास्ट सरफेस किस तरीके से मिला है एक यहाँ पर एक और फिगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं लाइक लेट मी रेज हियर यहाँ पर अगर आप सिस्टम देखेंगे तो एक छोटा सा फिगर और भी आप देख सकते हैं लेट मी रेज दिस यस ओके सो यहाँ पर एक सरफेस और देखा जा सकता है जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक रॉक था इस रॉक का अब अपर सरफेस घिस गया होगा तो ऑब्वियसली अपर सरफेस ये जो घिस गया है वो नीचे जाकर के डिपॉजिट होगा सो so डिपॉजिट होने के बाद अब हमारा जो नया सरफेस बनेगा नई जो बेसिकली हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो नाउ द रिलेटिव हाइट वुड हैव बीन लाइक दिस अब यह हमारी रिलेटिव हाइट कुछ इस तरीके से हो जाएगी आगे क्या होगा आगे फिर से हमारा सरफेस जो है वो ये वाला सरफेस अब आगे वो इसकी डाउन कटिंग होगी और इस डाउन कटिंग के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सरफेस बनेगा वो नेक्स्ट सरफेस कुछ हमारा दूसरे कलर में ले लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट सरफेस बनेगा डिपॉजिट होने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंड अल्टीमेटली देर विल बी अ सरफेस जस्ट लाइक दिस एक सरफेस इस तरीके से आ जाएगा जो पूरी तरीके से कट चुका है ख़त्म हो चुका है और अल्टीमेटली ये हमारा पेनी प्लेन बन जाएगा क्लियर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है सो so, एक तरफ हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा ओवरऑल सिस्टम के तरीके से फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर सिस्टम कि सिंगल माउंटेन में किस तरीके से डेवलपमेंट आ रही है और यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टेज के बारे में कि आखिर में डेवलपमेंट किस तरीके से आ रही है तो जब भी आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डे थ्योरी के द्वारा तो आपको पहले तो देखना है व्हाट एग्जैक्टली द नेचर ऑफ़ द क्वेश्चन इज वाट दट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अगर ये थ्योरी के बारे में बात कर रहा होगा तो यू विल हैव टू राइट द थ्योरीज जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और अगर वो स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में होगा यानी स्लोप डिक्लाइन मॉडल के बारे में होगा तो यू विल हैव टू टॉक वट एवर वी डिस्कस्ड टूडे इन दिस स्लाइड क्लियर अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है पेंग की थ्योरी अगेन सेम वही सारी चीज़ें हैं सिमिलर सी चीज़ें हैं बट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये थ्योरी काफी मिस अंडरस्टूड थ्योरी थी इसके बारे में भी देख लेते हैं यहां इन्होंने कहा था कि इनिशियल स्लोप ऑफ ए लैंड फॉर्म कम्प्राइजिंग रॉक ऑफ यूनिफॉर्म लिथोलॉजी मान लेते हैं कि हमारी कोई एक रॉक है वो कुछ इस तरीके से हमारी रॉक है सपोज ठीक है आ, है ये हमारी रॉक यहां पर इन्होंने जो फोकस किया है वो क्या किया है क्या हमें रिवर की वी शेप वैली के थ्रू हम लोग लेकर के चल सकते हैं क्या नहीं क्यों क्योंकि इन्होंने जो बातें की हैं वो प्रोसेस अप्रोच है दिस इज प्रोसेस अप्रोच सो व्हाट डू वी हैव टू फोकस हियर We have to focus endogenous forces and exogenous forces. Endogenous कहाँ लग रहा है? Exogenous kahan lag raha है? Because that is this is the main focal point under process approach. Then what will happen? Suppose शुरुआती दिनों में क्या होगा? Endogenous is more than exogenous forces. Already हम लोग थ्योरी में देख रखे हैं. तो रेट ऑफ वेदरिंग सेडिमेंट आर थ्योरी में हम लोगों ने बनाया भी था, वो भी एक बना ही लेते हैं so प्राइमर हमारे पास मिली थी दिस इज प्राइमारंफ ठीक है यहां पर क्या था अपलिफ्टमेंट हो रही थी साथ ही साथ में इरोजन भी हो रहा था लेकिन इरोजन कम था स्लोप इसका देख सकते हैं कम है और इसकी जो अपलिफ्टमेंट है वो ज़्यादा है स्लोप के बेसिस पे आप बोल सकते हैं ज्यादा है नेक्स्ट फेज में क्या होती है नेक्स्ट फेज में हमारे पास अब अपलिफ्टमेंट कम हो जाएगी अपलिफ्टमेंट होने का मतलब है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेज ज्यादा थी एक्जोजेनेटिक से अब यहाँ पर अपलिफ्टमेंट कम होगी अपलिफ्टमेंट देखिए रिलेटिवली कम हो गई है लेकिन यहाँ पर भी इंडोजेनेटिक ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्जोजेनेटिक तो इससे क्या होगा अगर ये थ्योरी इसकी स्लोप इतनी है तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप और कम होगी दिस विल हैव लाइक दिस ठीक है अब क्या हुआ है इंडो जो होती है वो बराबर हो गई है एक्जो से तो इंडोजेनेटिक बराबर एक्जो मतलब ये अगर स्लोप है तो इसके पैरल में स्लोप आ जाएगा अब यहाँ पर इंडोजेनेटिक जो होती है दिस इज इंडो लेस देन एक्जो एक्जो ज़्यादा हो गई है दैट मीन्स अगर मान लीजिए स्लोप ऐसे गया है एंड दिस इज़ द स्लोप हियर यू कैन से स्लोप ये है तो अब इसकी स्लोप मान लेते हैं कि ये है अगर तो इसकी स्लोप ये हो जाएगी ठीक आगे क्या है आगे जो होती है एक्सोजेनेटिक बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा इस कंपेयर टू इंडो तो यहाँ पर अगर ऐसे है तो दिस इज कंप्लीटली लाइक दिस एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म वन सरफेस दैट विल हैव एंड रंफ दिस इज एंड रंफ ठीक है और इससे पहले जो भी यहाँ पर डेवलप होगा वो इनसेल बर्ग डेवलप हो जाएगा क्लियर अब यहाँ पर अगर आप लैंडफॉम के बारे में बात करेंगे तो लैंड फॉर्म विल लुक लाइक दिस लैंड फॉर्म विल लुक लाइक दिस ठीक है तो ये हमारा लैंडफॉम हो जाएगा और अल्टीमेटली फ्लैट फीचर है सरफेस क्लियर अब हम लोगों ने जो पूरा का पूरा सिस्टम देखा है वो बेसिकली अलग अलग दिस इज़ अ वैक्सिंग फेज़ देन कॉन्स्टेंट फेज़ दिस इज़ कॉन्स्टेंट एक्चुअली कॉन्स्टेंट फेज एंड देन वेनिंग फेज़ तो हम लोगों ने तीन पार्ट में पार्ट में ये देख लिया क्लियर यहाँ पर शुरुआत में क्या था रेट ऑफ वेदरिंग अलॉन्द द इंटायर फ्लोर इज सेम विदाउट सेडमेंट आर रिमूवड इंस्टेंटेन्यूअसली वेदर एंड सीन वेदर एंड दिस दिस इज स्लोप एक्चुअली वेदर एंड स्लोप टू मूव बैकवर्ड टू द पैरल स्लोप अब देखिए यहाँ पर सीन क्या हो रही है कि शुरुआत में हमें पता है कि हमारी इंडोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्जो देन किस टाइप के स्लोप बनेंगे ऑब्वियसली हमारी इंडोजेनेटिक ज़्यादा है एक्जोजेनेटिक से इंडोजेनेटिक ज़्यादा है एक्जो से देन द स्लोप विल बी लुक लाइक दिस ये इस तरह से और यहाँ पर इस तरीके से क्लियर तो यहाँ पर जो मैंने फोटो बनाया इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि क्लियरली और विजिबल हो तो हमारे पास जो स्लोप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी दिस दिस एंड दिस क्लियर अब इसी का पैरल रिट्रीट हो जाएगा दिस इज पैरल 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 क्लियर एंड द सेम थिंग यू हैव टू रिपीट रिपीट कर दिया आपने अब देखिए जो स्टीप स्लोप है वो जेंटल में बदल जाएगी बिकॉज यहां पर अब जगह नहीं बची है फेज नंबर वन यू कैन से दिस इज फेज नंबर वन वैक्सिंग फेज जहां पर इंडोजेनेटिक जो थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू एक्जो जेनेटिक नाउ यू कैन मेक अ डिवाइडिंग लाइन हियर और यहां से फिर आपकी जो प्रोसेस है वो बदल जाएगी दूसरे कलर ले लेते हैं लेट मी टेक ब्लू कलर यहाँ से आपकी कलर बदल जाएगी एंड देन हीर स्लोप विल इंक्रीज क्योंकि यहाँ पर अब ये एक्जोजेनेटिक ज़्यादा लगना शुरू हो गया है एक्जोजेनेटिक ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली अब फिर एक बार एक पॉइंट के बाद यहाँ पर भी अब आपके पास स्लोप जो है वो अब यहाँ पर पैरल चला था यानी कांस्टेंट चली थी क्योंकि इंडोजेनेटिक एक्जोजेनेटिक दोनों बराबर बराबर थे तो यहाँ पर जो पैरल पैरल चल रही थी एंड दैट इज वाई वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड ऑल द स्लोप्स विद अ स्ट्रेट लाइन क्लियर ना यू कैन ड्रॉ अगेन अ डिवाइडिंग लाइन बिकॉज नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू कम आगे जो नेक्स्ट फेज आएगी उसमें ब्लैक कलर ले लेते हैं अब यहाँ पर क्या होगा इंडो जेनेटिक फोर्सेज लेस देन एक्जो जेनेटिक फोर्सेज दैट मीन्स अब स्लोप जो होगा वो बदल जाएगा द स्लोप विल भी लाइक दिस ठीक तो पैरल ही होगा बट स्लोप जो है वो बदल जाएगा क्योंकि अब ये कॉनवेक्स से कॉनकेव में बदल जाएगा ऑल द सर्फेस आर कॉनकेव एंड अल्टीमेटली एज पार्ट ऑफ द फ्लैट प्लेन अल्टीमेटलीट विल हैपन वी विल हैव अ सरफेस ऑफ कॉनवेक्सो कॉनकेव सर्फेस क्योंकि यहां पर आप जब भी देखेंगे तो देयर विल बी अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड ऑल दिस टाइप ऑफ फीचर विल बी नोन एस पेडी प्लेन क्लियर तो अब हम लोग इसको बोल देते हैं मतलब पेंक ने बोला था इसे पेडी प्लेन क्लियर तो यह हम लोगों ने डिटेल में देखा और जरा रेड पेन ले, ले लेते हैं एंड देख लेते हैं आगे क्या है हियर हाउ आर एडेड न्यू डिमेंशन बाई असर्टिंग दैट इन द प्रोसेस ऑफ वेदर द सेडमेंट गेटिंग रिन्यूड तो जो सेडिमेंट रिमूव होते आ रहे हैं उनका रिमूवल जो है वो आगे सीधी सी बात है ये मान लेते हैं कि कोई है ऊपर रिमूव हुआ देन इट विल रिप्लेस हीयर इट विल रिप्लेस ईयर ठीक है तो शुरुआत में अगर ये इस तरीके से था तो यहाँ पर अब ये इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली रिप्लेसमेंट होती जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास जो तीन फेज़ होती हैं वैक्सिंग फ़ेज़ कॉन्स्टेंट ग्रोथ फ़ेज़ एंड वेनिंग फ़ेज़ दिस इज़ विनिंग नहीं वेनिंग फ़ेज़ वैनिंग फेज यहां पर आ जाएगी तो इस तरीके से बेसिकली आप इस पूरी थ्योरी को अगेन देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स अब कॉन्केव में बदल गई है तो टेक्निकैलिटी बिहाइंड ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड जो कि आपको ध्यान में रखना है क्लियर इन सारी थ्योरीज़ को आप लोग अपने नोट्स में सेम ऐसे ही बना लीजिएगा अदरवाइज यू विल हैव यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉन्वेक्स से दिस कॉन्वेक्स से जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट फ्लोप स्लोप ले आया है और फिर कॉन्वेक्स दिस कॉन्केव में लेके आए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है ना सिर्फ आपको इस फिगर में बल्कि इस फिगर में भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा देन पैरल बनेगी और देन कॉन्केव बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने ठीक से दिखाया नहीं है बट आप लोग जब फिगर बनाइएगा तो उसको प्रॉपरली शो करिएगा कि यहां पर कॉन्वेक्स बनेगा फिर पैरल बनेगा फिर कॉनकेव बनेगी ठीक है तो इस तरीके से आप शो करेंगे देन यू विल हैव बेटर क्लैरिटी इनफैक्ट इन द एग्जाम ऑल्सो यू कैन मैंशन एंड यू कैन शो सच काइंड ऑफ टेक्निकलिटी तो जो भी एग्जामिनर ऑब्वियसली वो भी प्रॉपरली uh, देखेगा कि हाँ ठीक है यू हैव रिटर्न इट इन अ वेरी वेल मैनर नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है एलसी किंग की थ्योरी इस थ्योरी को हम लोग कई नामों से जानते हैं जैसे स्लोप रिट्रीट मॉडल या पैरेलल रिट्रीट मॉडल बैक वेस्टिंग या सवाना साइकिल ऑफ इरोजन मॉडल ऑफ पेडी प्लेनेशन या फिर एपीजीन मॉडल ऑफ स्लोप इन सारे मॉडल को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है जनरली स्लोप रिट्रीट मॉडल या पैरेलल रिट्रीट मॉडल ये दोनों काफ़ी फेमस हैं तो ये नहीं पूछे जाएंगे बाकियों का नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आखिर में क्या चीजें क्लियर ओके सो एलसी किंग के बारे में देख लीजिए कि जो किंग की थ्योरी है इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ लैंडस्केप इवोल्यूशन इज पेडी प्लांटेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन पैरल रिट्रीट ऑफ हिज स्लोप इसका मतलब क्या है सपोज वी हैव अ स्लोप लाइक दिस ठीक है हमारे पास कोई एक स्लोप है यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ स्लोप लाइक दिस स्लोप को अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉन्वेक्स स्लोप आपको दिखेगी दिस इज कॉन्वेक्स फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक पैरेलल स्लोप दिखेगी दिस इज कॉन्स्टेंट स्लोप तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट स्लोप है फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ कॉन केव टाइप ऑफ स्लोप बस इन्होंने कुछ नहीं कहा इन्होंने कहा कि इसी का पैरेलल रिपीट करिए पैरेलल रिपीट करने का मतलब कि यहाँ पर येलो दिखेगा नहीं आपको ब्लू ले लेते ले हैं तो आपको बस ये पैरेलल रिट्रीट करना है दिस इज पैरेलल दिस इज पैरेलल देखा जाए तो आगे हमारे पास आए इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पेडीप्लेनेशन स्टीप स्लोप डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वर्टिकल डाउन कटिंग बाई द स्ट्रीम तो इन्होंने जो फोकस किया था बेसिकली वो कहीं ना कहीं डेविशियन थ्यूरी को साथ में लेकर के चलने की बातें कही थी इन्होंने कहा था कि देखिए शुरुआती दिनों में वर्टिकल डाउन कटिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी स्ट्रीम्स के द्वारा बिकॉज रिवर्स में ऐसा होता है एंड दिस वेन दिस एंगल ऑफ स्लोप स्टेबलाइज दिस स्लोप विल अंडर गो पैरल रिपीट तो जब भी वो वी शेप वैली एक स्टेबलाइज होगी जहाँ पर भी डाउन कटिंग कर रही होगी स्टेबलाइज होगी तो हमें इस तरीके की थ्योरी मतलब इस तरीके का हमें पैरल रिपीट मिलना शुरू हो जाएगा देखिए इन्होंने इसकी थ्योरी को मतलब कि डेविस की थ्योरी को इसलिए सही माना था और इनफैक्ट उस पर वर्क किया था बिकॉज वी हैव गॉर्जेज एंड कैनस और ये रियलिटी है दैट मीन्स रिवर आर एक्चुअली क्रिएटिंग सम लैंड फॉर्म इन द यूथफुल स्टेज ऑफ देयर साइकिल तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे आप गॉर्जेस एंड कैनियस को देख सकते हैं एंड दिस थ्योरी इज ऑब्वियसली समवेयर हैविंग अ सिग्निफिकेंस एंड दैट इज वाई जो एल सी किंग साहब थे उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया था और अल्टीमेटली इन्होंने इस पूरी के पूरे सिस्टम को वापस से रीडिज़ाइन किया इन्होंने कहा वही कि स्टेबलाइज हो जाएगा देन इट विल गो पैरल रिपीट जस्ट लाइक वी शिव वैली इट विल गो अंडर पैरल रिपीट एंड दिस अल्टीमेटली होगा क्या वही सब पुरानी चीज़ें कि स्लोप स्टीप स्लोप जो होगा वो धीरे धीरे डिजेपियर हो जाएगा और जो पेडिमेंट्स होंगे उसके सिडिमेंट के रूप में जो होता है वो चिपकते जाएंगे या नीचे गिरते जाएंगे और एक्सटेंड होते जाएंगे एंड ऑफ द साइकिल पर एक मल्टी कॉनकेव लेंस फॉर्मेट में एक सरफेस मिल जाएगा जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेडी प्लेन ठीक है द डेवलपमेंट ऑफ सच ए लैंडस्केप डिपेंड अपॉन द लोकल कंडीशन इन विच हार्ड मतलब किस तरीके के रॉक किस तरीके के क्लाइमेट किस तरीके के रिलीफ फीचर के अंतर्गत है उसी के बेसिस पे डिपेंड होगा कि एक्चुअली कॉन्वेक्स मिलेगा या कॉन्केव मिलेगा या कॉन्वेक्सो कॉन्केव मिलेगा तो इन द इवल्यूशन ऑफ स्लोप दिस इज एक्चुअली स्लोप अगेन करेक्टेड तो इन द इवोल्यूशन ऑफ स्लोप इट इज़ अ स्कार्प एलिमेंट विच अपीयर्स बैक पैरल टू इट्स सेल्फ एंड कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ स्लोप एज अ होल तो इस तरीके से जो हमारी एल सी किंग की थ्योरी थी उस पर इन्होंने दिखाया कि कैसे क्लाइमेट का इफेक्ट एक्चुअल में पड़ेगा हालांकि ये जो किंग का जो मॉडल था क्लाइमेट को लेकर के वो एक्सट्रीम इवेंट्स में काम नहीं करता है एक्सट्रीम का मतलब जैसे एक्सट्रीम कोल्ड अगर कोई कंडीशन है या एक्सट्रीम एरिड कंडीशन है वहाँ पर इनकी थ्योरी काम नहीं करेगी अदरवाइज दिस थ्योरी हैज सिग्निफिकेंस एंड दिस थ्योरी इज नोन टू बी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो इस वजह से ये ध्यान में रखिएगा इनफैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भी सिस्टम्स एनालिसिस को लेकर के तो हम लोग बात करेंगे कि दिस वॉज एक्चुअली ओपन सिस्टम एनालिसिस डिविज़ की जो थ्योरी थी वो क्लोज सिस्टम थी पैंक की जो थ्योरी है वो अगेन ओपन सिस्टम है तो व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस सिस्टम इज डिफाइंड वो सब हम लोग बातें करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ़िलहाल यहाँ पर कुछ खास नहीं है देखिए अगेन ये जो वी शेप वैली है वही इस तरीके से पैरल रिट्रीट के अंतर्गत चली जाएगी एंड अल्टीमेटली दिस स्टीपर स्लोप विल अल्टीमेटली लीड टू दिस जेंटलर स्लोप और अल्टीमेटली इस तरीके से हमारे पास जो एक कॉन्वेक्सो कॉन्केव सर्फेस है वो मिल जाएगी तो यहां पर जो फिगर हम लोगों ने पहले बनाया द सेम थिंग यू हैव टू अगेन ड्रॉ बस यहां पर जो मेन ध्यान रखने वाली चीज थी वो ये थी कि पैरल रिट्रीट कैसे होगा क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पैरल रिप्लेसमेंट के बारे में बात किया था जहां पर इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्जोजेनेटिक फोर्सेस के बेसिस पे एक कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस बन रही थी वहां रीजन था इंडोजेनेटिक और एक्जोजेनेटिक प्रोसेस अप्रोच यहां पर जो है अगेन द प्रोसेस अप्रोच बट हियर द मेन फोकस इज थ्रू रिवर लैंडस्केप रिवर एक्सटर्नल फोर्सेज के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है इसके बाद एक और थ्यूरी है ए वुड की थ्यूरी हालाँकि दिस थ्योरी इज नॉट इन योर सिलेबस डायरेक्टली बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना यहाँ पर भी ज़रूरी है ज़्यादा कुछ खास इन्होंने बताया नहीं है बस दो पॉइंट याद रखिएगा कि जो डेब्रिस एक्चुअल में यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो नीचे जा कर के अलग फॉर्मेट बनाएगा जस्ट लाइक दिस सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके की कोई लैंडफॉर्म है ठीक है ये लैंडफॉर्म है हमारे पास देन यहाँ ये जब भी कोई रिवर या कोई भी विंड या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से गुजरेगा जैसे इस मान लेते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट गुजर रहा है देन तो ये जो लास्ट में ये जो शार्प uh, एज है दिस इज़ गोइंग टू बी इरोडेड ये रोड तो सीधी सी बात है यहाँ पर आकर के जम जाएगा और इस तरीके से जो हमारा सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा वी विल हैव अ सरफेस जस्ट लाइक दिस तो एक तरफ कॉन्वेक्स बनेगा दूसरी साइफ कॉन्केव साइड बन जाएगा क्लियर तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा सिमिलरली सेम प्रोसेस इस तरीके से होती रहेगी और इरोज़न होता रहेगा और ये सरफेस ऐसा बन जाएगा एक समय ऐसा आएगा जब ये सरफेस पूरा का पूरा सिस्टम केवल और केवल ऐसे आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली दिस विल लाइक अ फ्लैट फीचरलेस सरफेस जहाँ पर ये हाइट इसकी घट गई है और यहाँ पर हाइट इसकी बढ़ गई है बस यही सिस्टम बताया गया था हमारे इस वुड साहब के द्वारा जिसको कि आपको ध्यान में रखना है ही also एक्सेप्टेड यही चीज है फ्री क्लिफ स्लोप ठीक है ही also एक्सेप्टेड दैट स्लोप इवोल्यूशन varies with द क्लाइमेट तो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज करेगा ऑब्वियसली इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इसके अलावा स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा टेक्टोनिक एक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा और कुछ अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा अंडर ऑल दीज स्पेसिफिक कंडीशंस वन और मोर फैक्टर में ऑल्सो भी मे बी एबसेंट एंड इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म द स्लोप एलिमेंट विल चेंज विल वेरी दिस इज विल वेरी कैरेक्टर ऑफ स्लोप एलिमेंट विल कीप चेंजिंग तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो भी रिलीफ जो भी फीचर्स है जो भी प्रोसेस लग रही है बेसिकली प्रोसेस अप्रोच है तो प्रोसेस को दिखाएंगे ही तो जो भी प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर एक्ट कर रही है उसके बेसिस पे यहाँ पर हमें ये जो इनका लैंडफॉर्म है या यहाँ पर जो इनकी कॉन्वेक्सो कॉन्केव सर्फेस या फिर अल्टीमेट इनका जो फ्लैट फीचरल एसप्लेन आएगा उसमें चेंज देखने को मिलेगा और ये पूरी की पूरी थ्यूरी बताई गई थी हमारे इस वुड साहब के द्वारा क्लियर सो so, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा हमारी जो भी प्रोसेस अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच थे अब हम लोग जरा छोटी सी और थ्योरी है जिसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल्स बोलते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं अगेन दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट अगेन थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करना अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज uh, आजकल कल यू की ये तरीका हो गया है पूछने का कि वॉट एवर इज़ जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा वही चीज़ें अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी जा रही हैं तो हमारे पास तीन तरीके के मॉडल हैं एक है जो हमारा जे टी का मॉडल है दूसरा है स्ट्रॉलर का मॉडल और तीसरा है सेवी गियर का मॉडल ज़्यादा कुछ खास नहीं है केवल और केवल फ़िगर के फॉर्मेट में ही फिगर के फॉर्मेट में ही हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे जैसे जे टी का मॉडल है इन्होंने बोला कि दो चीज़ें याद रखिएगा डायनेमिक इक्विब्रियम मॉडल है ठीक है।, है दूसरी दिस इज़ ओपन सिस्टम मॉडल तो ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही इन्होंने कहा कि देखिए जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है दिस इज लैंडस्केप डेवलपमेंट या फिर लैंडफॉर्म जो डेवलपमेंट है दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज इट्स इंट्रोपी इंक्रीज इट्स इंट्रोपी मतलब अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये जो सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं वो डेवलप होते हैं तो ये एक तरीके से इन्होंने कहा था थर्मोडाइनमिक्स की थ्योरी को लेकर के इन्होंने कहा था कि दिस इज एक्चुअली लीथोलॉजिकल एडजस्टमेंट दिस इज लीथोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू इंक्रीज द एंट्रॉपी ऑफ लैंड फॉम तो बस ये लैंड फॉर्म की रीएडजस्टमेंट है जहां पर ये इंट्रॉपी को बढ़ा रहे हैं तो ये थी जे टी हैक का मॉडल ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई इस्ट्रॉलर के मॉडल के बारे में अगर बात करें तो इस्ट्रॉलर का जो मॉडल था अगेन दिस वॉज डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल और यहां पर इन्होंने कहा था कि देखिए जो कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ टाइम है या फिर इस स्टेज है इन रिलेटिव स्टीपनेस ऑफ दिस रिलेटिव स्टीपनेस ऑफ स्लोप मतलब कि जो ओल्डर स्लोप होंगे आर ग्रेटर देन यंगर स्लोप तो बस इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास अगेन नहीं है इन्होंने अलग अलग मौसम में अलग अलग क्लाइमेट में अपनी अपनी एक सिस्टम एक स्लोप सिस्टम बताया था जिस अगेन अ साइंटिफिक एंड यू कैन डायरेक्टली से कि यहाँ पर जो भी कंट्रोल ऑफ टाइम है या कंट्रोल ऑफ स्टेट है वो डोमिनेटिंग नहीं है दिस इज़ बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कि आखिर में क्या चीज़ है सेविगेयर के बारे में अगेन छोटी सी बातें हैं सेविगेयर ने केवल ये बोला था कि जो भी लैंडफॉर्म होगा इसके पास डूअल फीचर होगा डूअल फीचर मतलब इन्होंने ओशियानिक पहले तो ये ओशियानिक लैंडफॉर्म uh, को ये स्टडी किए थे इन्होंने कहा था कि देखिए किसी भी कोस्टल एरिया मान लेते हैं कि कोई एक कॉन्टीनेंट है दिस इज सपोज अ कॉन्टिनेंट दिस इज सपोज अ कॉन्टिनेंट ठीक है इन्होंने इसके वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे डिफरेंट डिफरेंट स्लोप देखे यहाँ पर स्लोप मान लेते हैं कि 45 डिग्री है तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 60 डिग्री देखा ऐसा क्यों सीधी सी बात है यहाँ का जो वेव कट जो भी वेव कटिंग हो रही होगी वो मान लेते हैं कि अगर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर अगर वेव कटिंग इसकी कम होगी तो इसकी स्लोप कम होगी तो बस सिंपल सी चीज़ यही इन्होंने बताया था कि अ लैंडफॉर्म कैन हैव मोर देन वन स्लोप और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी तो बस ज़्यादा कुछ खास अगेन नहीं है यहाँ पर और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को भी नहीं है सो इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द इरोजनल सरफेस के बारे में पेनी प्लेन पेडी प्लेन पैन प्लेन इनके बारे में साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सिस्टम्स एनालिसिस ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम इसके अलावा हम लोग रिवर uh, ग्रेड और चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली यू कैन रीच अस बाय यूजिंग दीज मोट्स और अगर कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन सेंड एन ई टू अस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच